ग्रेनो वेस्ट के गौर सिटी वन में 12वीं मंजिल पर एक मकान का प्लास्टर भर भरा के गिरा, जिसमें बच्चे को चोटें आई हैं। मैं इस वक्त उसी मकान में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो ऊपर की सीलिंग है वो उसका जो प्लास्टर था वो छूट कर नीचे बैठे बच्चे के ऊपर गिरा, जिससे बच्चे के गंभीर चोटें आईं। उसके हाथ में और सिर में और पैर में चोटें आई हैं। देख सकते हैं तस्वीरों, ये बच्चा वही है जो उस वक्त इस बेड पे बैठा था और जो प्लास्टर था वो सीधे टूट कर इनके ऊपर गिरा। बच्चे से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षत, आप बैठे तो क्या हुआ था अचानक? मैं बैठा हुआ था, ऊपर से मिट्टी के पीसेस गिरने लगे, मैं डर गया। मैंने जैसे खड़ा होने लगा, मैं सर पे गिर गया। चोट कहाँ कहाँ है आपके? चोट पैर पे, सर पे और हाथ पे। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? खाना खा रहा था। खाना खा रहे थे। डर लगा होगा, रात भर सो भी नहीं पाए होगा इस दहशत में, हाँ नहीं सो है ना? पाया। तो उनके बच्चे के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, ये फ्लैट आपने कब लिया था और आपको उम्मीद थी कि लाखों करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद भी आपको इस तरीके की घटना का सामना करना पड़ेगा? ये तो देखिए, लिया गया था 2010 11 12 में, और फिर 14 15 16 में कुछ पोजीशन मिल गया था, तो तब तो ठीक था सब, कि यहाँ के हिसाब से जिस हिसाब से ये एरिया डेवलप हुआ सारा कुछ ठीक था। लेकिन ये एक जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं काफ़ी पुअर है, ये आप देख सकते हैं। इसमें खुद ही अगर कोई टेक्निकल बंदा होगा तो वो अपने आप बता देगा कि क्या कमी है क्या नहीं है। आप इस घटना के बाद मेंटेनेंस वाले आए होंगे, तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो प्लास्टर था वो क्यों छूटा? वजह बताई उन्होंने कुछ? कुछ वजह नहीं बताई, एक तरफ सा गिरा था, फिर बाद में उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा ये सब भी थोड़ा सा वीक हो रखा है, इसको भी ठीक करने के लिए इन्होंने ये तोड़ा है। वीक होने का कारण कुछ बताया नहीं, या आपने वो कुछ कुछ? नहीं है वो अभी कुछ, इसमें क्वालिटी जो है रेत ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, रेती की क्वालिटी ज्यादा है मुझे ऐसा लगता है। बाकी सही जानकारी तो कोई टेक्निकल वाला ही दे पाएगा। बिल्कुल, लगातार इस तरह की घटनाएं नोएडा वेस्ट में, खासतौर की बात करें तो नोएडा वेस्ट में ज्यादा हो रही हैं। जी 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 तो डर लगने लगा है। डर तो देखिए, गुड़गांव में एक केस हुआ था जिसमें ऐसे ही छत चली गई थी और नीचे 3-4 फ्लोर में, और उसमें कैजुअल्टीज हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं हर आदमी डरता हुआ, अगर इस तरह का आपके साथ घटना घट जाए तो कहीं ना कहीं एक डर वाली बात तो होती है। शिकायत की गई है आपने? शिकायत तो मैंने लिखित में तो वहाँ पे नहीं दी है, लेकिन मैंने AOA और इनको डाल दिया है नीचे मेंटेनेंस को, कि भाई ये इशू है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, पूरी सोसाइटी में मुझे तो लगता है सबका फ्लैट मतलब टेक्निकली चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ठीक है ये हादसा हुआ उतना गंभीर नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कल को किसी के साथ ये गंभीर हादसा हो जाए, तो हमें लगेगा कि ये जानकारी हम लोग के सामने थी और हमारी लापरवाही से किसी के घर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा तो हर गलती से एक लेसन लेना चाहिए, इससे सबको लेसन लेना चाहिए कि भाई ये दुर्घटना किसी के साथ घटे तो कोई बड़ी दिक्कत ना हो। बिल्कुल, कोई बड़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, खास तौर से जो लोग अपना घर यहाँ लेने का प्लान कर रहे हैं दिल्ली NCR में, उन्हें मकान लेने से पहले उस मकान की क्वालिटी जरूर चेक करा लेनी चाहिए, जिससे कि उनको इस तरह की घटना से वो बच सकें। कैमरा पर्सन मनीष बल्ला के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा।